और मैं रहीम बाबाज मोस्टर एजुकेशनल से हूँ और आज हम बिरवा डिग्री कॉलेज में थर्ड डिस्ट्रिक्ट कलारी पत्तो चैंपियनशिप में आए थे और मैं सारे बच्चों से ये कहना चाहती हूँ कि आप सब भी आए और कलारी पत्तो हर एक गेम में पार्टिसिपेट करें और मुझे भी यहीं से ये मौका मिला है गोल्ड मेडलिस्ट बनने का। तो और आजकल ड्रग्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो आप भी हर एक गेम में पार्टिसिपेट करें, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हर एक में, इससे हम ड्रग्स दूर हो जाएंगे और ये गलत काम ना करें। बहुत अच्छा लगा और आप बच्चों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप भी हर कोई पार्टिसिपेट करें हर एक गेम में, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, जितने भी गेम्स हैं, इससे आपकी सेहत बनी रहेगी। हेल्थ इज वेल्थ। इट्स माई स्मॉल मैसेज टू ऑल ऑफ यू, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये एक मैसेज है कि जैसे आप देख रहे थे यहाँ पर आज तजम्मुल सर ने एक प्रोग्राम कलारी पत्तो का ऑर्गेनाइजेशन किया था, तो उसका मतलब यही था कि जो भी बच्चा पार्टिसिपेशन करेगा पहले तो तालीम ज़रूरी है, उसके बाद स्पोर्ट्स में भी हिस्सा बहुत ज़्यादा ज़रूरी लेना है हमें, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं जो भी बच्चा पढ़ रहा है घर वाले तो उसको भेज रहे कि पढ़ रहा है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे घर से निकलते हैं और उसके बाद बहुत सारे नशे में इन्वॉल्व है, कोई ड्रग्स अलग अलग किस्म के नशे में इन्वॉल्व है। तो जब हम स्पोर्ट्स का देखते हैं कि स्पोर्ट्स में जो भी बच्चा आएगा मेरे ख्याल से वो बराबर किसी भी नशे में इन्वॉल्व नहीं होगा, इसलिए स्पोर्ट्स जो है हमारी लाइफ में बहुत अहम रोल रखती है। स्पोर्ट्स में हमें कोई भी स्पोर्ट्स हो उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, वो अपनी लाइफ में एक पार्ट बना चाहिए स्पोर्ट्स को, या नहीं कि मार्शल आर्ट, कोई भी स्पोर्ट्स, जो भी बच्चा स्पोर्ट्स बना में हिस्सा लेगा तो मुझे पूरा ये पता है कि 100% वो बच्चा कोई नशा नहीं करेगा। तो इसलिए ये मैसेज है कि जो भी बच्चा, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट है, वो इसमें इन्वॉल्व हो इसमें, ताकि वो भी अपना फ्यूचर ब्राइट कर सके, अपनी लाइफ में आगे कामयाब हो सके। थैंक यू। शब्बीर हैं और मैं तारशरीफ से बिलोंग करता हूं और मैं मुझे पिछले 5-6 साल मार्शल आर्ट्स में हुए हैं और मैं नेशनल मेडलिस्ट प्लेयर हूँ। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था जो सर ने यहाँ पे किया था, तजम्मुल सर ने, और इस प्रोग्राम का जनरल सेक्रेटरी भी तजम्मुल सर था, और मैं यही चाहता हूँ कि आगे भी ऐसी प्रोग्राम होनी चाहिए, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है और वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है और ताकि बाकी बच्चे भी अच्छे तरीके से पार्टिसिपेशन करें इस प्रोग्राम में करना है, और मेरी भाइयों और बहनों से यही गुजारिश है ताकि वो ड्रग से दूर रहे और चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स में आए, स्पोर्ट्स बहुत हैं, कराटे हैं, टैकोंडो हैं और वॉलीबॉल हैं, क्रिकेट है, वो किसी भी स्पोर्ट्स में आए, वो अपनी लाइफ बनाए ताकि वो अपने लाइफ का केयर खुद कर सकते हैं। आज हमारे इस डिस्ट्रिक्ट कलारी पत्तो का एक चैंपियनशिप किया था जिसमें बहुत सारे बच्चे आए, 650 एबो बच्चे थे और ये सब बच्चों ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया, अच्छे से खेला और इससे हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में एक चीज़ यहाँ पे ड्रग्स का बहुत ज़्यादा ये क्रेज़ है, इससे हम बच्चे ड्रग्स से दूर भी रह सकते हैं। अब मैं गुजारिश करता हूँ सभी से, ये आप स्पोर्ट्स में आए, किसी भी स्पोर्ट्स में आए, जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट है, हमारा मार्शल आर्ट है, आप इसमें आए, हम आपका वेलकम करते हैं, आप ड्रग्स से दूर रहें, यही मेरी गुजारिश है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आरु शौकत है, मैं किंडरगार्टन एजुकेशन में पढ़ती हूँ और मैं रहती हूँ में रहती हूँ मैं, और हम यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आए थे, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा हमें, तो मेरी आपसे यही मैसेज है कि आप लोग भी इधर आए और यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। बाकी डिग्री कॉलेज बीरवा में है, बस हमें बहुत अच्छा लगा, हम आए लासीपुरा ग्राम, मैं बोलती हूँ आप भी आए इधर और यहाँ पे बहुत मज़ा आता है, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से क्रीम करवाते हैं, तो मैं आपसे यही मैसेज है कि आप लोग भी आए इधर, आप भी इधर आए और यहाँ पे गेम्स खेलें, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से खेलवाते हैं गेम्स। हर इंसान, मेरा यही कहना है कि मार्शल आर्ट एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मार्शल आर्ट नहीं खाली स्पोर्ट्स, बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि स्पोर्ट खाली एक ऐसी चीज़ है जो ड्रग्स से दूर रख सकती है हमें, हर कोई चीज़ दूर रख सकती है, ड्रग्स बहुत ही गंदी चीज़ है, एक बार जो लत लग गई फिर चोरी करनी पड़ती है ड्रग्स करने के लिए, स्मोकिंग जैसे स्मोक करते हैं लोग, ड्रग्स करते हैं, बहुत सारे नशे करते हैं। मेरी गुजारिश है मेरे भाई और बहनों से कि वो स्पोर्ट्स में आए, मैं यही नहीं कहता कि आप मार्शल आर्ट में आए, स्पोर्ट्स में बहुत सारे गेम था उसी ने ऑर्गेनाइज किया था, ये जिन्होंने कलारी पत्तो प्रोग्राम।
मैं आज बीर डिग्री कॉलेज बीरवा में कलारी पैतू खेलने आया हूँ। मेरी रिक्वेस्ट सब बच्चों से है यहाँ पे आए और खेलें और ड्रग्स को दूर भगाएं, हेल्थ भी अच्छी रहे और गेम की तरफ।